कॉमेडी कॉर्नर में आपका फिर से स्वागत है। एक हमारे दोस्त थे, हमारे साथ साथ चल रहे, तो उनके साथ में मिसेस भी थी, भाभी भैया हमारे, और हम तीनों लोग जा रहे थे अपना। ये किस्सा है उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का। तो हम लोग जा रहे थे अपना आराम से, अचानक जो थे कुछ जानवर निकले, हमारे भैया ने देखा इसे जानवरों को, रुके, भाभी को रोका और सूद के जोर से तमाचा जड़ दिया भाभी के गाल पर। सब सब पका के, भाभी भी सब पका गई, उनके मतलब पैरों नीचे जमीन निकल गई। और भैया गौरवान्वित खड़े जाए, कोई काम कर दिया है। तो हम बोले पागल हो गया क्या, बीचो बीच सड़क पे भाभी को कहा लाफा दिए, क्या हुआ? कहने लगे आज से 3 साल पहले इसने मुझे ऊत बुलाओ कहा था। अरे 3 साल पहले का, आप कहां मारे हो? तो उसी दिन मार लेते घर में, अब ये सड़क पर लाकर तमाशा करना जरूरी था का? अरे ऊत बुलाओ तो आज देखा है, वो तब निकला घर से। अब वो भैया जो हमारे अब मुंबई आए फिर से, और मुंबई का जू का पता ढूंढ रहे हैं, और कह रहे हैं हमने गेंडा आज तक नहीं देखा। हमको लगता है इस बार भाभी ने उन्हें गेंडा कहा है, और गेंडा अगर वो देख लेंगे तो जाहिर सी बात भाभी सूती जाएंगे फिर। अब हम तो दुआ कर रहे हैं कि ये ढूंढ रहे हैं कोई जू का पता ना बताए, हम तो गायब हैं, जनता पुत्र जनता को ना बताए तो अच्छा है, ये जू पहुंच ना पाए। सचिन जी, हमें 3 दिन हो गए शाहजहांपुर से यहाँ आए हुए, लेकिन कोई बता के नहीं दे रहा है कि चिड़ियाघर के लिए कौन सा रास्ता जाता है। क्या है ना, हमें गेंडा देखना है। हमने कसम खाई है कि जब तक हम गेंडा नहीं देख लेंगे हम घर लौट के वापस नहीं जाएंगे। अरे भैया जी आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं गेंडा कहाँ है और चिड़ियाघर का रास्ता कहाँ जाता है। भैया जी, भैया जी, भैया जी, भैया जी, ये पिछले 3 दिन से हम चिड़ियाघर का रास्ता ढूंढते ढूंढते घूम रहे हैं। कोई कहता है यहाँ जाओ, कोई कहता है वहाँ जाओ, हमें चिड़ियाघर मिलके ही नहीं दे रहा। अब आप बताइए हम क्या करें। अबे देख, मेरे चाचा के लड़के को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है, अब तू बता मैं क्या करूँ। भैया जी, आप हमारे बड़े भाई की तरह है। हाँ तो तू मेरे साले की तरह है। अबे तेरी बहन ने मेरी नाक पे दम करके रखा हुआ है, अपने भाई के दम पे कुटती है। मैंने भी ठान लिया कि जिस दिन मेरा साला मिल गया ना, ऐसा कुपचा मैंने कहा धरूंगा ना, क्या धरूं, मुझे घर का बताऊं क्या। अरे अरे भैया जी, हम आपके साले छोड़ी रहे। हाँ तो मैं कौन सा तेरा बड़ा भाई हूँ? हम आपका ये तो एहसान है ना, ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बस एक बार हमें चिड़ियाघर दिखा दो। अबे देख, तुझे देखकर तो बेटा खुद ऐसा लग रहा है जैसे तू अभी अभी चिड़ियाघर से आ रहा हो। ये बता बेटा, चिड़ियाघर में ऐसा क्या है जो तू उसे देखने के लिए मर रहा है? भैया जी, हमें गेंडा देखना है। अबे चिड़ियाघर में इतने सारे जानवर होते हैं, तुझे गेंडा ही क्यों देखना है? ना ना भैया जी, जिनसे हमारी शादी फिक्स हुई है ना, उन्होंने हमसे कहा है कि तुम बिल्कुल गेंडे यहाँ दिखते हो। जानना है कि गेंडा कैसे होता है। अच्छा बेटा, मतलब तेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि गेंडा कैसा होता है? सचिन जी, आइडिया नहीं है। चल बेटा, मैं बताऊंगा तुझे कि गेंडा कैसा होता है। देख बहुत आसान है, गेंडा 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 गेंडा, तूने हाथी देखा? हाथी, हाँ बस बस बस, हाथी की तरह होता है। हम ही मिले हाथ में बनाने के लिए। बताओ अगर गेंडा हाथी का होता है तो उसे हाथी क्यों नहीं कहते हैं? सूंड का फर्क है, सूंड का मतलब हाथी को सूंड होती है, नहीं गेंडा को सूंड नहीं होती है। अरे लेकिन भैया जी बात तो एक ही है ना। देख बेटा, बात एक ही है लेकिन जानवर दो है, क्या हाथी की बॉडी गेंडे की तरह, क्या गेंडे की बॉडी हाथी की तरह। देख बेटा, तू ज्यादा टीम पास करेगा ना तो मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे गेंडा नहीं बताऊँ कैसा दिखता है, और तू जान नहीं पाएगा कि गेंडा कहाँ मिलता है और कैसा होता है। अरे नहीं नहीं भैया जी, ऐसा मत करिए ना। क्या है ना, गेंडा देखना हमें बहुत कंपलसरी है। कंपलसरी है ना, हाँ तो बताता हूँ। लेकिन बीच में बोल रहा, ठीक है बेटा, तू हाथी देखा, हाथी
हाथी के तो बाहर की तरफ निकले हुए दो दांत होते हैं और गेंडे की नाक पर सींग होता है। तो अभी अपन क्या करेंगे कि हाथी एक दांत निकालेंगे। भैया ये कौन सा वाला, खाने वाला कि दिखाने वाला? अबे दिखाने वाला। देखो बेटा हाथी एक दिखाने वाला दांत निकालेगा, नाक पर लगाएंगे तो वो गेंडा बन जाएगा। लेकिन भैया ये अगर हाथी एक दांत निकालेंगे तो वो गिर नहीं जाएगा? हाथी एक दांत निकालेंगे तो वो गिर क्यों जाएगा? अरे भैया नहीं यार, देखो हमें मिला तुम्हें बनाने की, तुम्हें कहा था यार अभी। देखो अब हाथी एक दांत निकालेंगे तो उसका बैलेंस नहीं कम हो जाएगा? एक बेटा तूने इतनी देर में मेरा बहुत टाइम वेस्ट किया, अब तो बेटा तू सुन के जा कि गेंडा कैसा होता है। तो गेंडा होता ना ऐसा गोल गोल होता, बताओ तुम अभी। देखो गेंडा ऐसा होता गोल गोल। तो अभी अपन क्या करेंगे, एक गेंडा लेंगे यूं, उसके आगे दूसरा गेंडा, फिर तीसरा, फिर चौथा। भैया जी वंस मोर। हाँ ठीक है ये ले। ठीक है अभी क्या करेंगे अपन, एक बार सूजा लेंगे, सूजा मतलब बड़ी सुई, बड़ी सुई ले लो, ऐसा एक गेंडे अंदर फिरोएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ये तेरा वंस मोर वाला भी। ऐसे करते करते ऐसा हम लोग 50 गेंडों को अंदर से पिरोएंगे, गांठ बांधेंगे, ये लोग गेंडे की माला तैयार। शॉर्टकट बताता हूँ गेंडे तक जाने का, गेंडा देखना है ना, हाओ देख बेटा यहाँ से सीधा सीधा, फिर एक लेफ्ट ले, फिर राइट साइड को एक शांति देवी पार्क होगा, उसमें घुसेगा तो लेफ्ट साइड को गेंडा 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 गेंडा। लेकिन भैया जी शांति देवी पार्क में गेंडा कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता? देख जब जुरासिक पार्क में डायनासोर मिल सकता है तो शांति देवी पार्क में गेंडा क्यों नहीं मिल सकता है?